पब्लिक मीडिया हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं मेनका देसवाल आज आई हूं मथुरा में। और ये देख लीजिए आप किला, जो ओरिजिनल किला हुआ है। वैसे तो बना दें बाद में पर्यटन स्थल के लिए, लेकिन जो ओरिजिनल चीज़ है जो सही में उस टाइम पर थी वो यू किला था कंस का। उस टाइम पर जो राजा ये कर दे महाराजा कंस का ये किला था। ये देख लीजिए पुराना है यार। ये जमुना जी पीछे देख लीजिए आप, यहाँ से काल कोठरी में पड़े थे जो वसुदेव जी हैं। और किला देख लीजिए पहले आप, एक एक चीज़ दिखाएंगे। ये देखो ओरिजिनल है बिल्कुल, कोई ये नहीं है कि बाद में बनाया गया। घूम के एक बार दिखाइए वहाँ से भी। ये किला है कंस जियों का, अब जर्जर हालत में है, लेकिन वास्तव में यही किला था वो, जहाँ पर कंस महाराज उस समय पे यहीं रहते थे। जो मलयुद्ध हैं और भी जो कार्यक्रम हुए करते सब यहीं हुए करते इस किला के अंदर। और यहाँ देखो आप, डर भी लगा है क्योंकि बंदर बहुत ज़्यादा हैं यहाँ। ये देख यहाँ से कोई द्वार वगैरह दिख रहा है, बस गिर जाओगे आप। यहाँ से देख लीजिए आप तो इसकी हालत देखो, ये जो ईंटें हैं वो भी निकल गई हैं, गिर जाओगे आप। इधर आ जाओ थोड़े, तो निकल गई हैं, लेकिन वास्तव में किला यही था। और इधर दिखावांगे थोड़ा सा कि किस प्रकार है पूरा। यहीं से घसीट के बताया ये जा रहा है कि श्री कृष्ण जी जब 14 साल के हुए थे यहाँ आए थे वध करने के लिए, पहले मिलने के लिए, तो फिर मलयुद्ध जो हो रहा था उसके बाद जो पटकनी दी है यहीं से खींच के घसीट के लेके गए थे कंस मामा को। और जो विश्राम घाट है वहाँ तक लेके गए थे यहाँ से घसीट के, इस किले से घसीट के वहाँ जाके वध किया था। वध करने के बाद अपने माता पिता को छुड़ा के काल कोठरी से लेके गए थे, और छुड़ाने के बाद अपने माता पिता को यमुना जी में स्नान करवाया था, और खुद भी स्नान किया था, उसके बाद विश्राम किया था। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए आप, जो हालत है वो बहुत ही ख़राब है। अगर इसकी व्यवस्था ठीक ठाक होती तो कहीं कुछ न कुछ और ज़्यादा दिख सकता था। ये पुराना किला है बिल्कुल, वास्तविक किला जिसने कहा ओरिजिनल, थोड़ा देख रेख की वजह से ये इसकी हालत ऐसी हो गई। बाकी किला यही है, यहाँ से पूरा मथुरा दिखता है, सेंटर है मथुरा। यहाँ से परिक्रमा जो 21 किलोमीटर की है वो तय की गई थी, यहीं से वृंदावन गोकुल सब यहीं से लगता है। तो ये किला है, यहाँ से लेके गए थे। और ये वृक्ष देख लीजिए आप, कितना पुराना वृक्ष है, शायद ही आज के समय पे इतना बड़ा और कोई वृक्ष होगा। देख लीजिए आप, घुमा के दिखाइए एक बार, कितना पुराना वृक्ष है ये। तो ये किला कैसा लगा यहाँ से भी दिखाना, कमेंट करके ज़रूर बताना, नीचे से भी हम आपको दिखाएंगे। ये देख लीजिए आप, पुरानी इमारतें कैसी होती थी, ये किले देख लीजिए आप। युद्ध लड़ने की जो एक शैली होती थी किला, उनमें से एक होता था, क्योंकि किलों से ही सुरक्षा देखी जाती थी कि किस प्रकार का किला है, सुरक्षा व्यवस्था क्या है। और जो सैनिकों के ये कह लीजिए कि आप, एक जगह बनाई जाती थी कहाँ से अटैक करना है, कहाँ उनको एक निर्धारित स्थान दिया जाता था, रूपरेखा तैयार की जाती थी। किलों से ही व्यवस्था का पता चलता था कि किसका कितना किला मजबूत है, उसकी व्यवस्था कितनी मजबूत है। तो ये पुराना किला कहीं ना कहीं एक इतिहास को अपने आप में बताता है। और यहीं से श्री कृष्ण जी ने जो अत्याचार का अंत कह लीजिए कि हम कहेंगे इसको, किया था, क्योंकि जिसके सात भाई बहन अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए हों, वो भी अपने ही मामा के द्वारा, तो फिर इस प्रकार का जो अंत था वो निश्चित था। ये देख लीजिए आप, ये पुरानी इमारतें हैं, और ये देख लीजिए आप, यहाँ से दिखाइए एक बार, नीचे देखो आप, ये किला की जो व्यवस्था है, बनावट है, ये कैसी है। ये पुरानी इमारतें भी कुछ यहाँ पे, लेकिन किला यही है। कैसा लगा आज का हमारा ये? और ये देखिए, बताया ऐसे जा रहा है कि 18 बार इस किले पर आक्रमण हुआ जिस कारण ये टूट गया है। कमेंट करके ज़रूर बताना कंस का जो किला है कैसा लगा। कृष्ण की जन्मभूमि यहीं पर, बताया तो यही जाता है कि काल कोठरी में ही जन्म हुआ है, बाद में बनाया गया है। और ये देख लीजिए यहाँ कुछ कोठरियाँ हैं, काल कोठरी है कोई और है वो तो हम अभी नहीं बता सकते, क्योंकि इसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ कुछ दिख रही हैं कोठरियाँ। और किला यही है,
कमेंट करके ज़रूर बताना जो कृष्ण की जन्मभूमि है कैसी लगी यहाँ से निकाल के। लेकिन ये चीज़ तय है कि वसुदेव जी यहीं से निकाल के लेके गए थे श्री कृष्ण जी को जन्म होने के बाद, और फिर ये जमुना जी है जो 12 किलोमीटर का जो दायरा वो तय किया गया था वसुदेव जी के द्वारा रात के समय में 12 बजे, और गोकुल में उनको छोड़ के आए थे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और कमेंट में राधे कृष्ण राधे राधे हरे कृष्णा जरूर लिखना। जय हिंद जय हरि। कुछ दिखा रहे हैं जमुना जी को, शायद दिखा रहे हैं ये जमुना, देखो जमुना मैली हो गई थी क्योंकि कृष्ण जी को जब लेके गए थे शेषनाग जी ने शरण स्पर्श कर तब बताया ऐसा जा रहा है कि जमुना जी को जो पानी है वो नीला हो गया था, जमुना काली पड़ गई थी। यहाँ से देख लीजिए, ये है जमुना नदी, भगवान श्री कृष्ण के जन्म से जिसका विशेष महत्व है, यहाँ से साफ स्पष्ट दिखाई दे रही है, देख लीजिए आप। मेरी आज की वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। जमुना जी के बारे में क्या कहेंगे कि जो सफाई है व्यवस्था है किस प्रकार के क्या और होना चाहिए, वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। एक बार कमांगे दिखाई हुई पुरानी चीज़ देख देने भी अलग सा मज़ा आवा। देखो आप ये पत्थर देखो, आज का टाइम पे ऐसा पत्थर नहीं भी लगा, और ये सीढ़ियों की बनावट देखो आपकी स्त्रियाँ वो उसके तो थोड़ा बहुत चेंज करा, लेकिन ये पत्थर पुराना है भाई। यहाँ ये देख पत्थर दिखा दो आप बंदर ने, ये देख लीजिए आप यहाँ ये सारी ये देखो, अच्छा ये तो बनाई गई है, लेकिन ये देखो आप पत्थर की बनावट जो देखो पहला का है, ये शायद यहाँ दवज लगते थे, स्पेस दिया गया है, और किस तरह ये ऊपर का एरिया था देखो, और यूरा बैठने की व्यवस्था रही होगी, यहाँ जो आसन वगैरह लगाए गए हैं, किला का ऐसे आप तो देखो किस तरह बनाया गया है। यहाँ से देख लीजिए आप जो बनावट है पत्थरों की कटिंग है वो किसी रही है साइड में। ये देखो ये है कंस का किला, और अंदर से हमने आपको दिखाया, बाहर से कुछ ऐसा भी अंदर ले जाएंगे। देख लीजिए अब कंस का किला है, अंदर से हमने दिखाया है, और बाहर से देख लीजिए किस हालत में है। छोटी ईंट जो थी पहले यूज हो करती वो देखो, वो टोटली यूज हो रही है, और हालत देखो अब कैसी है, वो देखो सारा टूटा पड़ा है। वो ऊपर से भी किला ही है, पर ये और जो है व्यवस्था कर ली है। तो इस हालत के बारे में क्या कहना चाहोगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता लीजिए। अब कंस का किला है, ये बाहर से ऐसा दिख रहा है कुछ, बहुत ही जर्जर हालत में है, ये देख लीजिए। ये देख लीजिए आप, ये है किला जो बाहर से दिखा है कंस का, जहाँ पर श्री कृष्ण जियों का जन्म हुआ था, वसुदेव जी जो लेके गए थे। ये किला है कंस का, जहाँ से घसीट के श्री कृष्ण जियों ने विश्राम घाट पे जाके कंस मामा है जो उनको मारा था, आप देख लीजिए यहाँ से जो सैनिक घात लगाते थे, ये देख लीजिए सारा स्पेस। पुरानी धरोहरों में से एक है ये, आज इस हालत में है, आप देख लीजिए जर्जर हालत हो चुकी है, ईंटें निकल चुकी हैं, छोटी ईंटों का बनाया गया आप देख लीजिए, और हालत क्या है वो आपके सामने ही है। कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा ये किला, आज इसकी हालत उसके बारे में क्या कहना चाहोगे, और श्री कृष्ण जियों के लिए एक प्यारा सा कमेंट कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद जय हरियाणा जय श्री कृष्ण। और बताया ही जा रहा है कि जो आमेर के राजा थे उनके द्वारा पुनर्निर्माण इस किले का करवाया गया, क्योंकि 18 बार आक्रमण हुआ इस किले पे, और जब मुसलमानों का राज हुआ तो वहाँ से जो राजस्थानी पत्थर हैं वो लगाए गए। आज की वीडियो कैसी लगी, जमुना जी कैसी लगी।